अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये आज हम अपने रोज़े की तैयारी करने लगे हैं। ये मैंने देखे आलू बॉईल कर लिए हैं, सारे काम फिनिश करने के बाद अब तारी की तैयारी दे रही है। ये भल्ले बनाने के लिए मैंने इसमें मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली है। अब इसको मैं हाथ से थोड़ा सा से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसका खमीर उठे और फिर इसका भल्ला बनाऊँगी। तो दही भल्ले बनाने का तरीका देखिए। और ये साथ मैंने चने भी चढ़ाए हैं, हम चनों वाले साथ में राइस बनाएंगे और चना चाट भी बनाएंगे। तो आइए पहले रोज़े की हम तैयारी देखते हैं। ये देखें ये पैसे तैयार हो गया है, इसको मैंने रख दिया, इसको मैं तलूँगी। ये देखें ये मैंने आप दही भल्लों के लिए आलू भी रख दिए हैं। बेसन को भी मैं थोड़ी देर रख के तो फिर इसका भल्ला बनाऊंगी और ये आलू हम बॉईल करेंगे। ये देखें ये दही मैंने कर लिया है, पहले मैं दही में कर लूँगी। इसमें मैं नमक और काली मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा नमक थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखें ये मैंने ऐसे इसमें चाट मसाला, प्याज, हरी मिर्च काट के, नमक और काली मिर्च ये मैंने दही में भल्लों का तैयार कर लिया है। ये बूंदी हम चाट के लिए यूज़ करेंगे, हम जो चना चाट बनाएंगे, और ये बूंदी हम इसके लिए यूज़ करेंगे जो हम बनाएंगे दही भल्ले के लिए। ये हम लेकर आए हैं बिरयानी मार्ट से, ठीक है। और ये हम आलू है, ये आलू के कबाब भी हम साथ में बना रहे हैं क्योंकि हम चना वाले चावल जो बना रहे हैं। तो ये है प्याज और सब्ज मिर्च और आलू को मैश किया, अब इसमें हम नमक मिर्च डालेंगे। ये देखें ये इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, हरा और सूखा धनिया, सोस मिर्च, नमक डाल दिया है। अब इसको मैं मैश कर लूँगी, ये तैयार हो जाएंगे, इसको तल लेंगे हम। फिर ये हमारे दही, ये मैंने बूंदी और आलू मिक्स किया है, ये मैंने आलू के कबाब तैयार कर लिए बना के। अब ये मैं इसको उसमें मिक्स करूँगी, बूंदी, आलू, प्याज। अब भल्ले बनाने हैं, ठीक है। अब ये से कढ़ाई का मैं भल्ले बनाती हूँ। ये देखिए ये हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर रही हूँ मैं, और इसमें अब मैं भल्ले बनाऊँगी। ये बूंदी मैंने चाट के लिए, चना चाट बना रहे हैं उसके लिए, और ये चने बस हमारे थोड़े से रह गए हैं, ये प्रेशर का ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जो भल्ला बनाना है उसके लिए कढ़ाई मेरी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, ऑयल गर्म हो गए। अच्छा भल्ला जो बनाना है, ये देखिए भल्ले का मिक्सचर, इसको मोटा मोटा ऐसे करके लेना है, ज़्यादा सारा देखिए ये ऐसे, और फिर इस तरह से इसको आहिस्ता से छोड़ देना है ऐसे कर, ये गोल गोल बने, इसकी शक्ल ख़राब ना हो, ठीक है। और ये दूसरे भी सारे ऐसे निकाल के ऐसे करके ऐसे इसको छोड़ेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं ऐसे कर देंगे, ये देखें ऐसे इनको रखना है, पानी रखा है, ये पानी भल्ला डालेंगे हम। देखें ये मैंने भल्ले पानी में डाल दिए हैं, इसको मैं 5 मिनट पानी में रखूँगी और फिर मैं इसको दही भल्लों में डालूँगी। अब हम तैयारी करते हैं चना चाट की। तो चने भी ऑलमोस्ट हो गए, ये देखें ये हमने बूंदी जो चाट में डालनी है वो है, तो हम ये ऐड कर देते हैं बूंदी, ठीक है। और अब हम देखते हैं वाइट चने वो डालते हैं, फिर हम इसमें चाट मसाला, नमक मिर्च और इमली की चटनी, ये देखें इमली की चटनी दिखा, ये देखें ये इमली की चटनी मैंने बनाई है कल। ये इमली को लेकर आपने पानी में डालकर पकाना है और फिर उसकी गुठली अलग करके इसको ग्राइंड कर लेना है, फिर इसको आग पे पकाना है। इसमें डालनी है लाल मिर्च, चीनी जो चटनी को मीठा करे, यानी जितना मीठा आप रखना चाहते हैं चीनी वो डाली मैंने, और इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर इसको गाढ़ा करने के लिए। फिर ये तैयार हो गई, ठीक है। और ये हम इसमें चना चाट और दही भल्लों के ऊपर हम डालेंगे, चना चाट में डालेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी अफ्तारी की आज की तैयारी। ये देखें ये अभी भल्ले हमारे नरम नहीं हुए, ये होंगे तो हम दही भल्लों में डालेंगे। ये हमने चना चाट की तैयारी की, इसमें नमक और चाट मसाला डाला है, चने और बूंदी जो
चाट की होती है ये देखें वो, और आलू बॉईल करके और सब्ज़ मिर्च अपना। तो आइए अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी ताकि ये टेस्ट में अच्छा बने। ऐसे चटनी इसके अंदर डाल देंगे। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, आलू बॉयल और चने डाले हैं और डाली है इमली की चटनी ताकि ये बड़ी मज़ेदार बन जाए। ये देखें ये भले मैंने डाल के इसमें मैंने टमाटर की गार्निश की है और ये इमली की चटनी भी डाल दी है। देखें से अब ये तैयार हो गए हैं। बस देखें चाट और दही भल्ले की तैयारी के बाद हमने शुरू किया है चने चावल। इसके बाद हम साथ साथ बनाएंगे। ये हमने तड़का लगा दिया, इसमें टमाटर और डालेंगे, अदरक डाल दिया है, नमक हमने डाला है, हमने एक चम्मच नमक डाला है, टमाटर दो और अदरक डाल, हम दोनों इसमें हम डालेंगे साथ में चने। मेरा पता नहीं क्यों हो रही है। ये देखें ये हमने चावल डाल दिए हैं, अब ये गले में चावल पानी खुश्क होने दे। ये इधर हम थोड़ा से फ्रूट चाट बना लेंगे बच्चों के लिए। ये देखें ये हमने इस तरह से इसको सब्ज़ मिर्च डाल के दम लगा दिया। ये देखें ये आलू के कबाब भी हमने बना लिए हैं और ये हमने फ्रूट चाट भी बना ली है, ये चना चाट बना ली है, ये दही भल्ले बना लिए हैं, ये हम बच्चों के लिए फ्राइज बना रही हूँ मैं। और ये देखें ये कितना गंद फैल गया, अब ये सारा मैं उठाऊँगी। और ये हमारे चावल भी दम पर आ चुके हैं। देखिए अब हम आते हैं, ये हमारे साथ वालों के घर से इफ्तारी आई है, हमने भी भेजी है और ये फ्राइज़ बनाए हैं, आलू के कबाब हैं, ये हम खजूर है, चटनी है, चाट, दही भल्ले और ये चने वाले चावल जिसको केचप के साथ राइस खाएंगे। चले आए अब हम रोज़ा के खोलने का इंतज़ार करते हैं। मेरा फेवरेट टैंक इसको डाल देंगे आधे में, थोड़ा सा इसको शरबत लाल हम कल बनाएंगे टैंक है। और ये देखिए हमने किचन सारा नीट कर दिया है। तो आइए अब हम बाहर इफ्तारी की तैयारी करते हैं। ये देखें ये सारे बच्चे बहाज और मिरहा ने रोज़ा खोल लिया है और ये साथ में हमारा अफ्तारी का टेबल। आज हमारा पहला रोज़ा है। हम अस्सलाम वालेकुम। तो दुआ मांगो, मेरा दुआ मांगो, दुआ हो रही है। ये देखें ये अब अफ्तारी के बर्तन जमा हो गए हैं, अब हम ये क्लीन करेंगे सारा और चाय बनाएंगे। फिर चाय बना कर ये देखें ये चाय बन गई है, ये मेरी चाय बन गई है, ये किचन भी क्लीन हो गया है सारा। अब हम चाय पीते हैं और चाय को एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ।